नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इरकॉन इंटरनेशनल के ओएफएस के बारे में। यहां पे जिस तरीके से इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर का ओएफएस आज के दिन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे सरकार जो है लगभग लगभग अपना यहाँ पे हिस्सा बेचने की जो योजना बना रही है, उसके कारण 7% तक की जो गिरावट है यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम पूरी न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं तो इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर प्राइस आज नियरली 7% जो है ट्रेड में गिरते हुए दिखाई दिए 3 मार्च के दिन, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है लगभग लगभग 10% हिस्सा जो है कंपनी का ओएफएस के जरिए यहाँ पे डाइवेस्ट करने की जो योजना है वो बनाते हुए दिखाई दिए। और आज के दिन जो ओएफएस है वो खुलता हुआ दिखाई दिया है फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर। तो यहाँ पे नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज के दिन जो है ओएफएस खुलता हुआ दिखाई दिया। जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 88 रुपए पर शेयर का, जो कि ट्यूसडे की क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले लगभग लगभग यहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 97.85 का प्राइस था कल के दिन, तो उसके मुकाबले 88 रुपीज पे यानी कि 10-12% का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट हैज अर्लियर रिवील्ड प्लान टू सेल अप टू 15% ऑफ स्टेक इन रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी थ्रू द ओएफएस रूट। तो यहाँ पे सरकार ने पहले रिवील किया था कि ऑलमोस्ट 15% जो इसकी स्टेक है वो यहाँ पे इनके रेलवे की इंजीनियरिंग जो कंपनी है इसमें ओएफएस रूट के जरिए करती हुई दिखाई देगी। तो अब यहाँ पे जिस तरीके का जो गिरावट देखने को मिल रहा है शेयर में, तो क्या यहाँ पे ओएफएस में अप्लाई करना चाहिए या ओएफएस में जिस तरीके का रुझान आ रहा है उसके बाद क्या यहाँ पे फिर से एक तेजी का माहौल देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जिस तरीके से आज नॉन ओएफएस नॉन रिटेल के लिए जो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है ओएफएस, वो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो इंडिकेटिव प्राइस आता हुआ दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 89.39 रुपीज के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। 88 रुपीज इसका जो फ्लोर प्राइस रखा गया था उसके मुकाबले यहाँ पे जो टोटल इशू है बिड जो प्राप्त हुई है ऑलमोस्ट 3.3 टाइम्स यहाँ पे बिड प्राप्त होती हुई दिखाई दी है। तो एक अच्छा रिस्पांस माना जा सकता है यहाँ पे जो इस कंपनी को एफएस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं स्टॉक प्राइस की, तो आज के दिन यहाँ पे स्टॉक की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 91 रुपीज के आसपास हुई है, 6.95% की गिरावट के साथ शेयर जो है आज बंद होता हुआ दिखाई दिया। सुबह एक गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली थी, तगड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक कामकाज कर रहा था, 2,86,20,000 शेयरों का लगभग वॉल्यूम यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। जो यहाँ दिन की रेंज थी ऑलमोस्ट 90 रुपीज 50 पैसे का लो लगता हुआ दिखाई दिया और 93.25 का यहाँ पे जो है वो हाई लगता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हुआ स्टॉक, उसके बाद कहीं पे भी रिकवरी नहीं आई क्योंकि ओएफएस के चक्कर में यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने मिली, दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही जाके स्टॉक कहीं ना कहीं बंद होने की कोशिश किया है। लेकिन वहीं अगर हम आगे बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो रेलवे की कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा 4,284 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। ईपीएस इस कंपनी की शानदार है, 35.73 रुपीज की ईपीएस है और यहाँ पे अगर आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे देखेंगे 2.55 के, तो इतना सस्ता शेयर यहाँ पे आप बांध सकते हो इसको, 2.5 के PE मल्टीपल पे अगर ये स्टॉक मिल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा आप मान सकते हो कि बहुत ही चीप वैल्यूएशन के आसपास है। यानी कि यहाँ पे फिलहाल अभी तो कोई तेजी देखने को ढंग की मिली नहीं है, लेकिन जब हम चार्ट पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे कितनी तेजी बन सकती है उसके ऊपर भी, लेकिन सेक्टर पीई जब हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो 26 का सेक्टर पीई चलता हुआ दिख रहा है उसके मुकाबले 2.5 के वैल्यूएशन में। तो यहाँ पे एक शानदार तेजी जो है आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है, ये मानना गलत नहीं होगा। प्राइस टू बुक में भी अगर हम देखते हैं तो 443 रुपीज इसकी बुक वैल्यू है और 0.21 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक मिल रहा है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से भी लगभग लगभग 5 टाइम्स यहाँ पे आपको नीचे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड इसकी शानदार है, 5.21% की यहाँ पे इसकी डिविडेंड यील्ड है। तो यहाँ पे हर चीज अच्छी, लेकिन यहाँ पे स्टॉक प्राइस में अभी तक उस तरीके के मूवमेंट देखने नहीं मिली जो इसको देखने को मिल सकती थी। लेकिन क्या ओएफएस यहाँ पे एक अच्छा हैंगओवर था इसीलिए स्टॉक नहीं चल रहा था, और ओएफएस आने के बाद क्या इसमें सरकार की हिस्सेदारी जो है वो कम होगी तो उसके बाद यहाँ पे एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे जब हम यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक में किस तरीके का मूवमेंट है।
तो ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है एक छोटी सी रेंज में ही काम करता हूँ, आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब पिछले साल कोरोना का क्रैश आया तो उस वक्त यहाँ पे हाई लगे तो ऑलमोस्ट 120 रुपए के आसपास के, और उसके बाद एक तेज गिरावट आई थी स्टॉक में, कहने के 60 रुपीज तक के लो लगते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन इस स्टॉक ने न ही अपने ऊपर के हाई को ब्रेक किया, न नीचे के लो को ब्रेक किया, और एक छोटी सी रेंज में ही यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी स्टॉक का प्राइस जो है आज 91 रुपीज के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे खोने के लिए कोई ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके की वैल्यूएशन है बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन पे स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिली है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा गैप जो है चार्ट पे कल की क्लोजिंग से बनता हुआ दिखाई दिया है। हमने देखा था IRCTC के केस में भी, जब उसका OFS आया था तो एक हैंगओवर था कि वहां पे आपका OFS में जब सरकार का हिस्सा 75% 74% के आसपास आ चुका था, उसके बाद आपने देखा कि अभी IRCTC में किस तरीके की तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे ही यहाँ पे सरकार की हिस्सेदारी कम होगी तो यहाँ पे एक हैंगओवर जो रहता है हमेशा OFS का जो आ सकता है किसी भी प्राइस पे, वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक तेजी का जो माहौल है वो बनता हुआ दिख सकता है। इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही 108 रुपए के आसपास तक के जो हाई थे वो लगाए थे। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि क्या यहाँ पे स्टॉक वापस से 98 रुपीज के लेवल को निकाल पाता है OFS के खत्म होने के बाद, और ऐसा होता है तो फिर अगर ये 108 110 के लेवल को निकालता है तो फिर वो अपने पुराने हाई जो लगभग 120 के आसपास तक के थे उस लेवल तक भी जाने की कोशिश कर सकता है, और हो सकता है बियॉन्ड द लेवल अगर पार होते हैं तो फिर आपको एक नई तेजी जो है इस स्टॉक में बनती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप कंस्ट्रक्शन रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है एक एक करके, तो अब ये कंपनी भी जो है उसको फॉलो अप करते हुए दिखाई दे। नीचे की तरफ अगर हम मानते हैं यहाँ पे तो 80-82 रुपए के आसपास का जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं 72 से 82 रुपए का वो लेवल है जहाँ पे आप यहाँ पे मान सकते हो कि एक अच्छा सपोर्ट आएगा। हालांकि हम वहां से भी बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कोई बड़ी गिरावट हो सकता है 2-5% और यहाँ से स्टॉक गिर जाए। लेकिन जिस तरीके से इंडिकेटिव प्राइस 89 रुपीज के आ रहे हैं तो 90 रुपीज के नीचे जाने की संभावना भी यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। तो हो सकता है हैंगओवर जैसे खत्म हो तो आपको फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। लेकिन असल में अगर हम यहाँ पे समझते हैं कि गिरावट के कारण यहाँ पे क्या है, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में, यानी कि जो गवर्नमेंट है इसमें मेन प्रमोटर है, 89.18% हिस्सा जो है यहाँ पे होल्ड करती है। तो कहीं ना कहीं 10% हिस्सा यहाँ पे अगर बेचने की योजना है तो ये हिस्सेदारी घटके 79% के आसपास हो जाएगी। फिर भी एक बार कहीं ना कहीं वो 74% के अगर नीचे ले जाना है उस हिस्सेदारी को 74-75% के आसपास, तो कहने के 4-5% का जो OFS है और आता हुआ दिख सकता है। जैसा कि गवर्नमेंट ने पहले भी कहा है कि सरकार 15% तक की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे बेच सकती है, तो वो 5% का हैंगओवर आगे भी आपके लिए बना रहेगा। वो किस प्राइस पे आएगा उसका कहना आसान नहीं होगा, हो सकता है अभी आए, हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर में आता हुआ दिखाई दे, तो वो चीज होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जैसे जैसे इसका फ्री फ्लोट बढ़ता जाएगा, FIIs के भी आप होल्डिंग यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 0.34% के आसपास FIIs होल्ड करते हैं। FIIs के पास कोई खास हिस्सा यहाँ पे है नहीं। DIIs के पास भी आप देखेंगे सिर्फ 1% के आसपास का हिस्सा, 1.2% के 1.8%। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट 8.69% की है, तो पब्लिक के पास यहाँ पे सबसे ज्यादा शेयर है। तो जब तक यहाँ पे FIIs DIIs का कोई ज्यादा बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई खास रुझान जो है शायद देखने को आपको न मिले। लेकिन कंपनी की जब बैलेंस शीट या उसकी जो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से जून क्वार्टर में गिरावट देखने मिलेगी उसके बाद से फिर यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट जो है वो बनती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इसके जब हम EPS को ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो इसके EPS में आप देखेंगे 40 रुपए से लेके बढ़ते बढ़ते ये EPS जो है लगभग 51 रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि हर साल ये 51 रुपए पर शेयर का EPS कमा रही है। और स्टॉक का प्राइस 91 रुपीज के आसपास, यानी 2 के PE मल्टीपल के आसपास स्टॉक कहीं ना कहीं FY21 के अगर आप देखते हो लगभग लगभग FY20 के EPS के मुकाबले तो आपको देखने मिलता है। इस साल यहाँ पे जो गिरावट देखने मिली उसके बावजूद भी ये स्टॉक अभी 2.5 के PE मल्टीपल पे देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक में डबल होने का भी दम है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 4-4.5 का PE मल्टीपल भी स्टॉक को अगर देते हो तो यहाँ से आपको स्टॉक का प्राइस सीधा सीधा डबल होता हुआ दिखाई देगा। इन्हें कहीं ना कहीं 180 से 200 रुपए तक के जो लेवल्स है
वो आपको स्टॉक में फिर इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। अब ये कब होगा, किस समय होगा, इसके ऊपर अभी कमेंट करना सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके के ओवरफ्लस का ओवर हैंग है, अगर वो खत्म हो जाता है तो डेफिनेटली फिर एक रिबाउंड जो है इस स्टॉक में आपको एक दो दिन में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।